ये हूं मैं वेयरिंग अ डायमंड आर्मर और मेरे सामने है माइनक्राफ्ट की स्ट्रॉन्गेस्ट एंटिटी जो मुझे मारने वाली है। बट इस सिचुएशन में मैं फंसा कैसे, ये जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो हेलो हेलो। हाँ भाई बोलो, क्या हुआ, कैसे याद किया? अरे तुमको एक एसएमपी इनवाइट करना था भाई। अच्छा बताओ, क्या नाम क्या है उस एसएमपी का? हिमलैंड्स। ओ रियल वाला है क्या? औकात भरो। अच्छा सॉरी सॉरी, आप तो बस क्या हिमलैंड्स का नाम लेके क्या हुआ, उस एसएमपी का कॉन्सेप्ट क्या है? तभी मुझे अच्छा लगा, तभी मैं आऊंगा। देखो मोमबत्ती जला लो, ध्यान से सुनना। इस एसएमपी में एक अलग सा कॉन्सेप्ट है। देखो इस एसएमपी तुमने तो जब तुम ज्वाइन करोगे तो इसमें दो चीजें हो सकती है। पहला तुमको एक रोल मिलेगा स्पेशल, या फिर तुमको कुछ नहीं मिलेगा। देखो मेरे हिसाब से तुम हमारी कोई औकात नहीं, लेकिन अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। तो उसका फायदा ये है कि कुछ हिमलैंड के जो एंटिटीज हैं उनके कैरेक्टर्स के हिसाब से तुम्हें रोल मिलेंगे। जैसे उपराजी, हीरो ब्राइन, हुगालाला, हुलाला, किलविश, अलग अलग कैरेक्टर्स के हिसाब से तुमको अलग अलग पावर्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल तुमको हीरो ब्राइन का रोल मिला तो उसकी तुमको उसकी पावर्स मिलेंगे, जैसे कि स्पेशल स्वॉर्ड जिससे धमाका होता है। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। अलग अलग कैरेक्टर के रोल मिलेंगे तो मुझे उनकी पावर मिलेगी। ठीक है मैं समझ गया। यस यस यस। तो हाँ मैं बोल रहा था और बातें हैं। अरे रुक रुक, मेरे को पका मत। मैं समझ इंपॉर्टेंट है भाई। मैं समझ गया। मैं आईपी पे बाद में लाट चढ़ जाएगी भाई, बता रहा हूँ। अबे भाई आईपी दे चुपचाप, अगर मेरे को रोल मिला तो ठीक है, नहीं तो मैं ऐसे ही सर्वर देख लूंगा। तू आईपी दे चुपचाप, मेरा दिमाग मत खा। क्लियर? लो लो बाद में। इसके बाद मैं एसके की कुछ सुने बिना इस सर्वर में चला जाता हूँ और मेरे साथ बहुत बुरी चीजें होती है। चलो देखे सर्वर कैसा है। ब्रो भाई साहब मजा आ गया देख के। भाई सर्वर तो एकदम मस्त है, एकदम मानना पड़ेगा यार, ये काफी मस्त सर्वर बना रखा है बंदों ने। या गाइस मुझे कोई रोल नहीं मिला, मतलब मेरे पास कोई स्पेशल पावर्स नहीं है यार इस सर्वर। फिर वीसी में कोई आया। वेट, मैं अपने आप को अनम्यूट करता हूँ। हेलो। हाय ब्रो, तुम भी एसएसएमपी के मेंबर हो क्या? हाँ, तुम नए हो क्या एसएसएमपी में? हाँ मैं अभी अभी आया हूँ एसएसएमपी में। अच्छी बात है, लेकिन मैं बहुत पुराना हूँ। वेट ये क्या है भाई साहब? भाई मेरी फट रही है, मेरे से दूर रहो यार। करुणेश डरो मत, मैं भी तुम्हारी तरह प्लेयर ही हूँ। हाँ वैसे मुझे बताया तो गया था कि यहाँ पे कुछ बंदों के पास स्पेशल पावर्स है। या एग्जैक्टली, मैं भी उन्हीं बंदों में से हूँ। ओके ठीक है, तो तुम क्या हो भाई सिमलेंस में, होगा लाला हो क्या? अच्छा क्वेश्चन है, तो क्या मैं होगा लाला हूँ? बेहतर होगा मैं तुम्हें दिखा ही दूँ मैं क्या। ओह माय गॉड, किलविश हो यार तुम। एग्जैक्टली, चलो तुम मुझे पहचान ही गए। ब्रो अब बस मार मत देना मुझे। अच्छा ख्याल है, क्यों ना मैं तुम्हें मार ही दूँ। मेरे सामने ही किलविश है और ऐसे हालात में मैं बस एक चीज कर सकता हूँ। बाय ब्रो, मैं जा रहा हूँ। मेरे को नहीं मरना। बेसिकली मेरे कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई, मैं भाग रहा हूँ। करुणेश, तुम्हें सच में लगता है तुम मुझसे बच सकते हो? भाई दिमाग का इलाज कराओ तुम यार पहले। यार भागना बेकार है, क्यों कोशिश कर रहे हो? ये देखो डेड एंड भी आ गया यार, क्यों कोशिश कर रहे हो बेकार में? चलो आ जाओ, मर जाओ मेरे से, चुपचाप मर जाओ। भाई भाई गया मैं भाई साहब। या इस सर्वर में मैं अपने डे वन पे ही मर चुका था और मैं इतना रिएक्ट क्यों कर रहा हूँ? मैं तो रिस्पॉन भी कर सकता हूँ ना। वेट ये क्या हो रहा है भाई, मैं बैन हो गया कैसे? वेट मैं वापस ज्वाइन करता हूँ, लेट मी रिकनेक्ट। वेट भाई ये क्या लिखा हुआ है, वॉज स्लेन बाय किलविश, 2 hours बैन। ब्रो यार ये क्या मजाक है, मैं सर्वर से बैन हो गया था बट कैसे? बेल्ट्रेक्स भाई तूने ये क्या था भाई, मेरे को बैन क्यों मिला सर्वर से और ये क्या हो रहा है? मजा आ रहा है करुणेश भाई, मैंने कहा था मेरी पूरी बात सुनो, अब लाट चढ़ी। मैं बैन क्यों हुआ ये बता तुझे पहले। भाई सुनो, तुम लकी हो कि तुम बैन हो गए। तो जब किलविश से कोई मरता है तो वहाँ पे दो चीजें होती है, पहला वो किलविश के अल्टीमेट बेडरॉक प्रिजन में हमेशा के लिए कैद हो जाता है, या फिर वो 2 या 3 घंटे के लिए बैन हो जाता है। तू लकी हो कि तुम बैन होगे, क्योंकि बैन होने का चांस सिर्फ 0.1% होता है। एंड ओ यार बैन पड़ेगा, चल एंड भाई एसएमपी के 3 लाइफ से इसमें तुमने 1 लाइफ खो दिया, अगर तुम्हारा बाकी के 2 लाइफ भी तुमने अगर खो दिए तो एसएमपी से परमानेंट बैन हो जाओगे। ब्रो ये पहले बताना था यार, 3 बार मर गया तो मतलब तुम तो बोलो ही मैं तुम तो बोलो ही मैं, मैंने कहा था मेरी पूरी बात सुनो, तुम तो चले गए फ्लो में। तो ब्रो तुमने मुझे ऐसी एसएमपी में इनवाइट ही करा यार। तो तुमको इनवाइट करने का बहुत मेन रीजन है, बिकॉज
सिस्टम पी में काफी चीजें हैं जिसके लिए मेरे को मेरे एक फ्रेंड की जरूरत थी। बस तुम मेरे को पकड़े दिख गए तो मैंने तुम्हें इनवाइट कर लिया। ऐसा जरूरत की क्या थी भाई, क्या हुआ? देखो जब सी सिस्टम पी में रोल्स वाला सिस्टम आया है तब सी सिस्टम पी लगभग 99% बर्बाद हो चुकी है। बिकॉज यहाँ कोइंसिडेंस नहीं, यहाँ पे तीन बंदे से जो एसएमपी हमेशा से चाहते थे कि ये एसएमपी पे कब्जा करे, जैसे रोल वाला सिस्टम आया लकीली इन तीनों को होगा लला हुला लला और किलमिश का रोल मिला। लेकिन जैसे इन्हें रोल मिला इन्होंने सर्वरों को कब्जा लिया एंड उसके बाद सर्वर पे राज करना स्टार्ट कर दिया। तो हम तुमको इन्वर्ट करने का यही मेन रीजन है कि हम चाहते हैं कि एसएमपी में जो किचन में जो प्लेयर्स कैद है उन सबको छुड़ाना और इन सबको हराना। तुम्हारा मतलब है कि होगा लला किलमिश और हुला लला ने पूरी एसएमपी को कैद कर दिया, मतलब कोई नहीं बचा हमारे साथ? बचा है बस थोड़े बहुत बंदे बचे। तो तुम्हारे हो क्या एसएमपी में अभी? भाई तेरे से पहले मैं मरा था किलमिश से एंड मेरे को भाई 16 घंटे का बैल मिला है, सो मैं अभी नहीं आ सकता। तेरे को क्लियर करना पड़ेगा, मैं 16 घंटे बाद ही आ पाऊंगा। मतलब तू मुझको इनवाइट करने से पहले मर भी चुका है? कितनी बार मरा है तू? मैं दो बार मर चुका हूँ भाई, मेरा लास्ट लाइक नहीं। ठीक है यार, मैं ना तब तक थोड़ा ग्राइंड वाइंड कर लेता हूँ, 16 घंटे बाद मैसेज करता हूँ मैं तेरे को। एल्ट्रिक से बात करने के बाद मैं चला गया था 2 घंटे सोने, और जब मैं सो के वापस आया तो मैंने सरवर में करी काफी ज्यादा ग्राइंडिंग। निकलते हैं यहाँ से, अच्छी खासी माइनिंग कर ली। ब्रो मर गया, शिट। आज मेरा बैन होना पक्का है यार। नहीं भाई गया मैं, शिट। अरे भाई साहब निकल जल्दी यार, यहाँ पे पल जल्दी भाई, यहाँ मेरी फटी पड़ी है, कोई बचा लो यार। कोई है? लगता है भाई कोई अच्छा इंसान बचा नहीं यार इस सर्वर को। यार भागना पड़ेगा, पर यार इससे भाग के कहाँ जाऊँगा यार। ये बंदा भागो, जल्दी भागो भाई साहब। ये बंदा भाई स्पीड क्या है इस बंदे में स्पीड। ब्रो अब ये जंप ही कर रहा है, वाह भाई यार, ये क्या मजाक है यार। यहाँ पे इतना कमजोर क्यों बना रखा है यार प्लेयर्स को यार। भाई आ रहा है वो, भागना भाई। कब क्या करूँ यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई बचा लो यार, अगर कोई है तो भाई बचा लें यार। नहीं यार ये पकड़ ही लेगा मुझे, कुछ तरीका ढूंढना पड़ेगा इसके लिए। मेरे को कुछ तरीका ढूंढना पड़ेगा। अब भाई फिलहाल आ रहा है वो, मुझे भागना है, मुझे भागना पड़ेगा। भाई आ ही रहा है यार, छोड़ दे पीछे भाई, किसी और के पीछे जा। कॉल करना पड़ेगा, ये इतना बहुत ज़्यादा स्पीड भागता है भाई यार, ये तो 8 बार में इतना ले लेता है। वेट जल्दी से कॉल करो, वहाँ पे पहुँच नहीं पाएगा आई गेस। वेट भाई यार ये आ ही रहा है भाई। मैं गया आज, खत्म हुआ। वेट ये क्या था भाई, विजर्ड है भाई, बचा रहे मुझे। हेलो करुणेश, आवाज आ रही मेरी? हेलो ब्रो, हाँ आ रही है। तुम विजर्ड हो क्या वैसे? हाँ मैं इस सर्वर का विजर्ड हूँ। ओके ब्रो थैंक्स भाई, मुझे तुमने बचा लिया ब्रो, थैंक्स। कोई बात नहीं, तुम ये जल्दी पकड़ो और जल्दी भागो यहाँ से, ये तुम्हें मार सकता है। जल्दी पकड़ो और निकलो जल्दी यहाँ से। ब्रो संभाल लेना इसे, मैं निकलता हूँ। पुश इट, ये आ गया, जल्दी संभाल लेना इसे। बाय। रुक तेरी ऐसी की दस्ती, वैसे मेरे से लड़ना भाई, मेरे से लड़, क्योंकि मुझे भी निकलना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है मैं करुणेश, मैं आ रहा हूँ। ओके ब्रो जल्दी निकलो यहाँ से, बाद में कहीं बात कर लेंगे, जल्दी चलो। विजर्ड ने मुझे बचा तो लिया था, लेकिन मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, इसलिए उन्हें डिस्कस करने के लिए विजर्ड मुझे एक सेफ जगह ले गया। विजर्ड भैया यही है क्या आपका घर? वैसे उतना बुरा भी नहीं है, ब्रो इतना खाली क्यों है इतना? पहली बात ये मेरा घर नहीं है भाई, और ये मेरा सेफ हाउस है, मेरा घर बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। ओके घर वर को मारो गोली, मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन के आंसर चाहिए। ओके तो मेरी बातों को ध्यान से सुनो और उस हिसाब से मेरे को आंसर देना, और मुझे काफी कंफ्यूजन है आपको लेके। मेरा पहला क्वेश्चन है भाई कि अगर आपके पास इतनी पावर्स है तो आप इस सर्वर को बचा क्यों नहीं लेते हो? आप सिंगल हैंडेडली सबको बचा क्यों नहीं लेते हो अगर आपके पास इतनी पावर्स है? करुणेश जितना तुम सोच रहे हो उतना आसान नहीं है। मैं होगा लला और हुला लला को तो संभाल सकता हूँ, लेकिन ये किलवेश जो है ना, ये अकेला ही बहुत कुछ कर सकता है। तुम्हें क्या लगता है मैंने ट्राई नहीं किया होगा? मैंने एक बार ट्राई किया था किलवेश को मारने का और मैं फेल हो गया, एज तुम जानते हो। और इस सर्वर में मेरे पास अब बस एक लाइफ बची है, मतलब मैं 2 बार मर चुका हूँ किलवेश के हाथ से। तो आपने मुझे क्यों बचाया अगर आपको कुछ बचाना ही नहीं है? तो तुम्हारे पीछे होगा लाला था भाई, और होगा लाला को मैं निपटा सकता हूँ, तो इसलिए मैंने तुम्हें बचा लिया। ओके तो ब्रो अब कोई रास्ता तो होगा ना जिससे किलवेश को रोका जा सकता है? विजर्ड ये तो किलवेश है यार। नहीं मैं तुम दोनों का एंड हूँ, नहीं विजर्ड। विजर्ड जो मेरा एक दोस्त था जिसने मुझे बचाया, जिसने मुझे अपने सेफ हाउस में आने दिया, उसको किलवेश ने बस एक शॉट में मार दिया।
ब्रो नहीं यार, मुझे भागना ही पड़ेगा यार, विज़र्ड को इसने मार दिया यार, इस कुत्ते ने। रमेश चुपचाप रुक जा, हम लोग शांति से बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं। ब्रो तूने विज़र्ड को मारा है भाई, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। रमेश अच्छा होगा तू शांति से मेरी बात सुन, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। रमेश मैं नहीं चाहता मैं तुझे दूसरी बार मारूं, ये देख रहा है ना, इससे मैं मार सकता हूं तुझे। ब्रो मैं भाग रहा हूं। रमेश अब तू गया। किलवेश ने अभी तो मुझे हरा दिया था, लेकिन आई प्रॉमिस किलवेश तू जल्दी मुझसे वापस मिलेगा।